सुनिए, क्या आप भी मेरे जैसे ही पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाना चाहते हैं? यदि हाँ तो लॉगिन कीजिए marykwik.com में, वहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करिए और सबसे लास्ट में लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेंचाइजी, वहाँ जाके क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको यहाँ से एक यूजर आईडी नंबर मिलेगा, इसी नंबर का इस्तेमाल करके आप marykwik.com में उन तमाम लड़के और लड़कियों का प्रोफाइल बना सकते हैं जिनको रिश्तों की तलाश है। मैं आपके सामने लेकर के आया हूं डॉक्टरों का बहुत मन प्रसिद्ध रोग जिसका नाम है एलर्जिक। एलर्जी और एंटीबायोटिक, ये दो चीज डॉक्टरों को बेहद पसंद है। हर किसी को यही बोल देते हैं कि हाँ जी आपको तो एलर्जिक हुआ है, आप ले लो जी एंटीबायोटिक, हाँ जी आप एंटीबायोटिक ले लो। जब डॉक्टर को कोई रोग समझ में नहीं आता तो अगले को बोल देंगे हाँ जी आपको क्या हुआ है, एलर्जिक हुआ है। और जब डॉक्टर को उस रोग के लिए कोई मेडिसिन समझ में नहीं आता तो डॉक्टर लिख देगा हाँ जी आप ये एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक ले लो। क्यों? कोई मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको थमा देता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक जब आपके शरीर में ज्यादा जाता है तो आपके शरीर में जो पहले से प्रकृतिस्थ जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। शरीर के अंदर जो इम्यून पावर है वो प्रकृति से मिला हुआ है और नेचुरल है, लेकिन ये एंटीबायोटिक क्या है, ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। ये एंटीबायोटिक आपके शरीर में ऊर्जा देगा लेकिन आर्टिफिशियल ऊर्जा है, वो नेचुरल नहीं है। इसीलिए हमें डरना चाहिए इस प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन को लेने के लिए। तो डॉक्टर को भी थोड़ा सा डरना चाहिए कि किसी के वो धपाक से एंटीबायोटिक न दे, पहले देखे कि बिना एंटीबायोटिक दिए ही कोई चीजें इसके शरीर को ठीक किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों आज में मेरे सामने एक बच्ची आई, उसने कहा, उसके मम्मी ने कहा कि सर ये बच्ची जब कभी गेहूं की रोटी खाती है तो इसको इसके शरीर में इसको लूज मोशन होती है या इसको कुछ ऐसा बीमार पड़ जाती है ये बच्ची। तो मैं बड़ा दुखी हो गया, भाई मैं तो नया चीज सुनने में, नए नए रोग आ रहे इस दुनिया में, गेहूं की रोटी, और भाई खाए तो अब क्या खाए। तो डॉक्टर ने कहा उसको कि भाई गेहूं इसके लिए एलर्जी का मुख्य कारण है, इसलिए गेहूं से बचा जा। पता नहीं कितने सालों से एंटीबायोटिक खा रही थी वो बच्ची, कितने सालों से पता नहीं क्या क्या दवाई खा रही थी। हाँ जी सवेरे 5 बजे उठ के ये खाना, फिर 10 बजे ये खाना, फिर इतना बड़ा थैला भर दिया दवाई का। बच्चे रोटी से नहीं, वो दवाई से पेट उसका भर जाए, इतना मेडिसिन डॉक्टर ने दे दिया। अरे भाई कम से कम ये तो देखो कि ज्यादा एंटीबायोटिक देने का मतलब है कि आप किसी भी बच्चे को अपने मेडिसिन के ही भर पे, मेडिसिन के ही ऊपर उस बच्चे को आप टिकाना चाहते हो, उसके जीवन को आप संचालित करना चाहते हो। तो डॉक्टर का तो काम है कि इस प्रकार के कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो इम्यून पावर है उसको देते हुए थोड़ा कम करते हुए नेचुरल की ओर उसको लेकर के जाए, क्योंकि हमारा शरीर दोस्तों आर्टिफिशियल चीजों से नहीं चलेगा कभी भी। हमारा शरीर आर्टिफिशियल कृत्रिम, इसको तो चाहिए नेचुरल चीजें चाहिए, इसीलिए ज्यादातर जो नेचुरल जो खाने वाली चीजें हैं उसके। इसीलिए हम कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करने का आदत बनाया करिए। जितना संभव हो सके जो अच्छे पढ़े लिखे जो डॉक्टर है वो भी यही कहते हैं कि जितना हो सके जो एलोपैथिक मेडिसिन है उससे बचना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे इंसान के शरीर में वायु की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है और उसके वजह से उसको कब्ज होना, ये सभी चीजें कब्जियत वगैरह होने की जो संभावना है वो बढ़ता है, धीरे धीरे रोग दूसरे रोग वहां पर प्लस होते हुए जाता है। इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन से जितना हो सके बचना चाहिए, जितना हो सके अपने शरीर को जो प्रकृति की जो नेचुरल जो दवाई है जो चीजें हैं उसको ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए। आज नहीं करेगा कल नहीं करेगा, आयुर्वेदिक दवाई जल्दी काम नहीं करता, लेकिन यदि आप रेगुलर उस चीज को आपने एक्सेप्ट करते रहे तो निश्चित आपके शरीर में 1-1.5-2-3-4 महीने के बाद आपका वो शरीर बिल्कुल आरोग्य हो जाएगा। तो आज मैं आपको लेकर के आपके सामने लेके आया हूं कि यदि आपको एलर्जिक है, जब भी कभी मौसम परिवर्तन हो जाए तो जुखाम आता है, नजला, अभी मौसम परिवर्तन का ये समय है, इसलिए मुझे लगा कि चलो आप में भी ये समस्या होगा,
तो यदि कभी भी आप जब मौसम परिवर्तन हो जाए तो ही बच्चों को बड़े बूढ़ों को भी नजला जुकाम खांसी वगैरह बना रहता है। तो भाई आप कब तक ये एंटीबायोटिक खाते रहोगे? कुछ तो ऐसा हो कि आपके शरीर में इतनी इम्यून पावर हो कि मौसम परिवर्तन होते वक्त ये सभी चीजें इन कोई किसी भी तरह के मेडिसिन की आवश्यकता नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के साथ साथ में जो योगासन है ना, इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योग है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होने वाला होगा उससे 10-15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मेरा तो 10-12 दिन के बाद बीमार पड़ने वाला हूं मैं, आप शुरू कर लीजिएगा। जैसे ये प्राणायाम हो गया, ये भस्त्रिकासन हो गया जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, ये दो चीज आप 12 या 15 दिन पहले से, जब मौसम परिवर्तन होने वाला होगा 15 दिन पहले से ये क्रिया यदि आप करना शुरू करेंगे तो आपको इससे आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, आपके शरीर में इम्यून पावर बढ़ेगी ऑक्सीजन जाने से। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको किसी खाने वाली चीजों से, जैसे गेहूं से यदि आपको एलर्जी है, यदि आपको चावल से एलर्जी है, या XYZ किसी भी चीज से यदि आपको एलर्जी है, तो आपके लिए आयुर्वेद में सबसे बढ़िया अगर कोई दवाई है तो वो है दोस्तों सुधा सिंधु। बहुत बढ़िया दवाई है सुधा सिंधु। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कितने मात्रा में आपको इसको लेनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर, आपके शरीर में किस तरह का आपका शरीर है, कौन सा कफ पित्त और वात संबंधित क्या चीज है, किस तरह का आपका शरीर है, आप कमजोर हो, छोटे हो, बड़े हो, किस प्रकार का आपका उम्र है, तो आपके बगल में अगर कोई वैद्य जी होंगे तो उनके रेख देख में आप सुधा सिंधु को लेना शुरू करें। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि यार इम्यून पावर मेरा बहुत कम है, उठते बैठते चक्कर आता है, शरीर एक प्रकार बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, मौसम चेंज होते ही कई सारे समस्या है ना, याददाश्त की कमी, या यूं लगा लो कि शरीर में जो है इम्यून पावर बिल्कुल कम है, यदि आपको ऐसा लगता है तो रोज आप प्रति दिवस जो गिलोय जो बाजार में मिलती है उस गिलोय को लेकर के कुट पीस करके उसका रस निकाल करके रोज आप लीजिए, नहीं तो आपको बाजार से मिलेगा गिलोय सत्व। तो गिलोय सत्व जो है दोस्तों 250 ग्राम गिलोय सत्व और प्रवाल पिष्टि 125 ग्राम इसको लाइए सुबह और शाम, आप एक एक ग्राम ये दवाई को आप एक या दो ग्राम या तीन ग्राम आप वैद्यों के परामर्श से आप ये दवाई अपने आप, इस वीडियो को सुनकर मत लेना, किसी अच्छे डॉक्टर के किसी अच्छे वैद्यों के परामर्श से आप इस दवाई को लेंगे तो मुझे बहुत विश्वास है इस दवाई के ऊपर। प्रवाल पिष्टि और गिलोय सत्व दोनों को मिक्स करके यदि आप मेडिसिन बनाएंगे तो निश्चित है कि आपके शरीर में भर भर के इम्यून पावर जाएगा, आपका शरीर पूरा तेजवान कांतिवान शक्तिशाली आपका शरीर रहेगा, किसी भी प्रकार के वायरस से, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो किसी प्रकार का बुखार हो, इन रोगों से आप हमेशा बचते रहेंगे।